Hi friends, welcome back. मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से, जो हमारा प्रेगनेंसी का मंथ बाय मंथ सीरीज स्टार्ट कर रहा है, उसका सेकंड वीडियो आज लेके आई हूँ कि आपका प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ कैसे रहेगा, आप कैसे काउंट करेंगे। जब भी आपका पीरियड मिस होता है तभी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है या सोनोग्राफी में आपका प्रेगनेंसी दिखता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन वो आपका पहला महीना नहीं रहता है, जो मैंने फर्स्ट मंथ के वीडियो में आपको बताया है, तभी आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ रहता है। अगर हम लोगों ने वीक्स में काउंट करा तो फिफ्थ वीक, सिक्स वीक, सेवेंथ वीक एंड एट वीक, ऐसे मिला के वो आपका सेकेंड मंथ रहेगा फ्रॉम फिफ्थ टू एट वीक कम्प्लीशन। तो इसमें चलिए देखते हैं कि पहले आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब भी आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी सजेस्ट करेंगे, अगर आपने फाइव वीक रनिंग में सोनोग्राफी करी तो आपको एक जेस्टेशनल सैक करके हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको बच्चे का घर बोलते हैं हम लोग, जो दिखेगा बेबी नहीं दिखेगा। अगर आपने सिक्स वीक में सोनोग्राफी करी तो अपने को जेस्टेशनल सैक के अंदर योक सैक करके एक चीज दिखेगी, जिसको अटैच बेबी रहता है। तो सिक्स वीक्स के एंड में या फिर सेवेंथ वीक के स्टार्टिंग में अपने को वो जेस्टेशनल सैक में बेबी दिखेगा। तो फिफ्थ वीक में अपने को सिर्फ जेस्टेशनल सैक यानी बच्चे का घर दिखेगा, सिक्स वीक में वो जेस्टेशनल सैक के अंदर योक सैक और कभी कभी बेबी भी दिख जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिटल पोल। एंड सिक्स वीक के एंड में या सेवेंथ वीक के स्टार्ट में अपने को बेबी विद बेबी का हार्ट बीट सुनाई देगा। सोनोग्राफी में एकदम छोटू सा राई के जाने के जैसे फिटल पोल यानी बेबी दिखेगा और उसमें हार्ट बीट अपने को सुनाई देगा। सेवेंथ वीक के एंड तक बेबी जो है एक एलमंड के या ग्राउंड नट के साइज का इतना बन जाता है, ऐसे छोटा सा गोला दिखता है और उसमें प्रॉपर हार्ट बीट अच्छे से सुनाई देते हैं। अभी आते हैं एट वीक में। एट वीक के स्टार्ट में छोटे छोटे ऑर्गन्स के बर्ड स्टार्ट हो जाते हैं बेबी के, इंडिविजुअल जो मेजर मेजर ऑर्गन्स है, मानो हेड का स्ट्रक्चर बनने लगता है, छोटे छोटे हार्ट और पैर के छोटे छोटे बर्ड्स भी दिखने लगते हैं। और एट वीक के एंड में प्रॉपर छोटा सा एक बीन शेप्ड वो बेबी दिखने लगता है और जिसमें उसकी हाइट रहेगी ऑलमोस्ट एक 13 to 15 मिलीमीटर, यानी एक 1.5 सेंटीमीटर तक वो बेबी आ जाएगा एट वीक के एंड में, 2 मंथ्स कंप्लीशन के एंड में। तो हमने देखा कि बेबी में ये चेंजेस होते हैं। अभी आइए देखते हैं कि आप में क्या चेंजेस रहेंगे। आपका ये जो सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है वो थोड़ा आपको परेशान करने वाला रहेगा। आपको नौशिया रहेगा, आपको वॉमिटिंग रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको चक्कर आते रहेंगे, वीकनेस रहेगा, कॉन्स्टेंट सोने की इच्छा रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरा है कि आपको थोड़े मूड स्विंग्स भी रहेंगे। तो ये सब कॉमन सिम्टम है और ये सब पीक लेवल पे रहेंगे। पीक यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल में रहेंगे, क्योंकि तभी बीटा एससीजी करके एक जो हार्मोन है उसकी लेवल बहुत ज्यादा रहती। तो सेकंड मंथ जो है वो थोड़ा आपको टफ जाएगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, कभी कभी आपका वेट भी कम हो जाता है, तो आपको ज्यादा वरी नहीं करना है। नौशिया वॉमिटिंग का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वीकनेस का अलग से वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देखो, उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स सजेस्ट करे हैं। आपको ज्यादा भूखा नहीं रहना है, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है, आपको जो पसंद है वो आप खाते जाओ और आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको नौशिया एंड वॉमिटिंग के मेडिसिन देंगे, तो वो सप्लीमेंट आप लेते रहो फॉलिक एसिड के साथ, उसके कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। धीरे धीरे ये टाइम कट जाता है और आप जब थर्ड मंथ में एंटर करते हैं तो ये सब चीजें थोड़ी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कि आपका सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपको कैसे लगा, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपको अगर कोई क्वेरी होगी वो भी लिख के भेजिए, हम उसके आंसर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।